और आपको बताने के छत्तीसगढ़ में ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है, जहां पर आपको बताने की अहम खबर ये है कि भूपेश सरकार के 6 मंत्री जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर क्या स्थिति अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, क्योंकि वो बड़े चेहरे और वो बड़े जो कद काठी में भी अच्छी खासी पहुंच पकड़ सब कुछ रखते थे, और वो चेहरे जिन पर पार्टियों ने भरोसा जताया था इस उम्मीद के साथ कि अगर इनको चुनावी मैदान में उतारेंगे तो हमारी चुनावी नैया जो है वो पार लगेगी। लेकिन अभी फिलहाल ये बड़ी खबर कि भूपेश सरकार के 6 मंत्री जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। अगर मंत्रियों का ये हाल है तो फिर आप बाकी और लोगों का हाल समझ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ से जुड़ी ये बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लगातार जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। राजस्थान की बात कर ले हम, एमपी की बात कर ले, और देखिए इधर राजस्थान में 8 मंत्री, इससे पहले जनतंत्र ने आपको बड़ी खबर दिखाई, और अब ये छत्तीसगढ़ से जहां भूपेश सरकार के 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। कुल मिलाकर के कहा ये जा सकता है कि यहां पर अमिताभ कुमार जी के इन मंत्रियों पर भरोसा इसलिए जताया गया था कि अगर ये केंद्रीय मंत्री है तो कम से कम अपने अपने इलाके के जो लोग हैं उन पर तो पकड़ रखते होंगे, विधायकी का चुनाव ऐसे। और देखिए ये बड़ी खबर, भूपेश बघेल 300 वोटों से पीछे चल रहे, अहम खबर बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, भूपेश बघेल भी 300 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य की बड़ी खबर, अहम खबर। तो अभी थोड़ा 12 बजे तक किसी तरीके से ऊपर नीचे सब कुछ होता रहेगा, उसके बाद एक पूरी तस्वीर जो है वो सामने आएगी निकल करके।